जय माँ भवानी। साथियों, आज एक बहुत ही सुंदर वृक्ष की बात करते हैं जो हिमालयी क्षेत्र में प्रसिद्ध है और औषधीय गुणों से भरपूर है। इस प्रसिद्ध फल का नाम है बेडू। आपने कई गीतों में सुना ही होगा। इसे हिमालयन अंजीर कहा जाता है, हिमालयन फिग कहा जाता है। विश्व की विभिन्न सभ्यताओं में यह पौधा संपन्नता, उपजाऊपन और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। बेडू को इंडियन फिग या फाइकस पाल्माटा भी कहा जाता है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा विश्व में उत्तर पूर्वी अफ्रीका में अरब प्रायद्वीप में भी पाया जाता है। यह पेड़ जंगलों में, सड़कों के किनारे, खेतों में मिलता है और समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पे यह वृक्ष पाया जाता है। यह 10 मीटर तक की ऊंचाई लेता है और अगर इसे अनुकूल मौसम मिले तो यह 25 किलो तक एक वृक्ष फल देता है। इसके फल मीठे, रसदार, कुछ कसैले होते हैं। बीज सहित संपूर्ण फल यह खाने योग्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस फल की बात अपने मन की बात रेडियो प्रोग्राम में की थी। बेडू का फल पकने पे बैंगनी या काला सा हो जाता है। यहाँ इसके पत्ते दुधारू पशुओं को खिलाए जाते हैं और इसके कच्चे फल की सब्जी बनाई जाती है। यह बहुत सी दवाइयों का, जो शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, उसका एक अच्छा विकल्प है। इस पौधे में, इस फल में बहुत से औषधीय गुण होते हैं। बेडू 12 महीने उपलब्ध रहता है। इससे जैम, स्क्वैश, चटनी, जूस, अचार आदि उत्पाद बनाए जा रहे हैं और उत्पादों का बाजार बढ़ाया जा रहा है। यह उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फल खनिजों और विटामिन से भरपूर है। बेडू पाको बारहमासा यह उत्तराखंड का ही नहीं विश्व प्रसिद्ध फोक सॉन्ग है, जिसे विश्व में कई स्थानों पे परफॉर्म किया गया है और भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट का यह ऑफिशियल गीत है। साथियों, प्रकृति की ऐसी सुंदर देनों को देखने के लिए और इनकी जानकारी बढ़ाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय माँ भवानी।